गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली इसमें मेनली यूक्लिड लेमा एल्गोरिदम तथा उसके सहयोग से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं, पर थोड़ा सा नंबर रियल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर्स आता है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम लोग यूक्लिड लेमा और एल्गोरिदम तथा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे चलेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रियल नंबर्स और उसके टाइप्स को जानने का प्रयास यहाँ करते हैं हम। आइए सबसे पहले देखेंगे यहाँ ध्यान से नंबर्स को दो कैटेगरी में रखा जाता है, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मेनली हम लोगों को रियल नंबर पढ़ना है या आगे की क्लासेस में पढ़ना है। ऐसे जनरली इस तरह का नंबर होता है जिसको ओनली हम लोग इमेजिन कर पाते हैं, पर हम लोगों का जो टॉपिक है वो रियल नंबर है, इसके बारे में थोड़ा हम लोगों को जानना है। रियल नंबर में दो टाइप के नंबर्स को इंक्लूड किया गया है, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा होगा, अभी जस्ट एज ए हाईलाइट इसको हम लोग देख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर में भी दो टाइप होता है, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसमें होता है नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग, नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग होता है। फिर से हम लोग यहां जानने का प्रयास करते हैं कि नंबर्स को दो कैटेगरी में रखा गया है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में दो कैटेगरी है, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है अलग अलग करके उसको हम सब जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आइए टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है ध्यान देंगे, 1/2। जब हम किसी भी फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और वह पूरा पूरा कंप्लीटली उसको डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर हम लोग जीरो पाते हैं, तब जाकर के कहा जाता है कि वह टर्मिनेटिंग है, तब वह कहा जाता है टर्मिनेटिंग है। जब हम किसी भी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और तब जाकर के हम देखते हैं कि वह पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाता है, तो एक कभी कभी क्या होता है एक डिजिट, और कभी कभी क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करता है, तो जब ऐसा होता है तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहा जाता है। और इससे अलग एक तीसरा केस होता है, उसमें इस तरह के नंबर्स आपको मिलेंगे जिसमें ना तो वह पूरा पूरा कटा होता है और ना ही क्या कहते हैं आपको एक डिजिट को या एक ग्रुप ऑफ डिजिट को रिपीट करता है, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, तो सब अलग अलग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में यहां जानने का प्रयास करेंगे, जैसे 1/2 हो गए, यहां देखेंगे आप 1 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 1 से इसको क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, यहां पे डेसिमल 0.5 पूरा पूरा कट गया, इसको टर्मिनेटिंग की श्रेणी में रख देंगे। दूसरा क्या होता है यहाँ पे देखेंगे इस केस में 1/3, यहाँ 1/3 से इसको डिवाइड करिए, 3 से इसको डिवाइड करेंगे आप नहीं हो पाएगा, डेसिमल डालेंगे 0, 3 या 9, फिर 1, फिर और यह कंटिन्यू करेगा आपको, यह कंटिन्यू करेगा। तो इसको 1/3 को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के कैटेगरी में रखा जाता है।
है। तो हम लोग जानते हैं, फिर से इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, कि रेशनल नंबर जो होता है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। जब डेसिमल एक्सपेंशन की बात आती है, तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है वह आपको बताया गया है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वह आपको बताया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग इरेशनल नंबर को जानेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, थोड़ा उसको जानने का प्रयास करेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। इसमें होता क्या है, ध्यान देंगे, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल के बाद आप देख पा रहे हैं, डेसिमल के बाद 01, फिर यहाँ पे 01 होना चाहिए था, फिर 01 होना चाहिए था, तब उसको हम कहते हैं कि यह रिपीट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। डेसिमल के बाद इसका फॉर्म क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि यह क्या है, रिपीटिंग नहीं है, ना ही टर्मिनेटिंग है। इस सब को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की श्रेणी में रखा जाता है, इस तरह के नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के श्रेणी में रखा जाता है। जब आप रूट टू को करेंगे 1.414 डैश कुछ करके होगा, फिर जब इसको आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो पाएंगे क्या कि यह क्या कहते हैं कि रिपीट भी नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं है, पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की श्रेणी में रखा जाता है कहते हैं। तो फिर जब आप थोड़ा सा यहाँ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे रियल नंबर को, इट इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल, इट इज अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय आर। एग्जाम्पल में रेशनल और इरेशनल का मिक्सअप करके यहां पे आप डाल सकते हैं, रेशनल और इरेशनल करके आप डाल सकते हैं, जैसे 2 हो गया -1, 0, -1/2, √2, √9, सब तरह के नंबर्स को, हम लोग रियल नंबर कहते हैं। फिर से थोड़ा सा जानेंगे, रियल नंबर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल वह होता है जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसके दूसरे तरफ जब इरेशनल नंबर की बात हम करते हैं, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो हम लोगों ने एज ए इंट्रोडक्शन 9th में सबको पढ़ा था बहुत अच्छे से, बस जस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए अभी आपको रियल नंबर और उसके टाइप्स के बारे में बताया गया है। अब मेनली जो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, इस एक्सरसाइज में हम लोगों को पढ़ना है, वह यूक्लिड लेमा है और एल्गोरिथम है, तथा उसके हेल्प से हम लोग दो गिवन नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो अब अभी हम लोग नंबर्स के बारे में जान गए हैं, अब अगला स्टेप हम लोगों का होगा जिसमें हम लोग लेमा और क्या कहते हैं एल्गोरिथम को जानेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।